It's very simple. Daulat aur shohrat dono tumhare darwaze pe dastak de rahe hain. All you have to do is aage badho aur unhe gale se laga do. ये तुम क्या सोचती रहती हो मिली? अब क्या सोचना? And guess what? मैंने तुम्हारे बाबा और अपने डैडी दोनों से बात कर ली. And we're getting married in a month or so. And then we're flying high. The whole world will be open for us. We can go anywhere for our honeymoon. Kya dekh rahe ho? Kahan ja rahe ho tum? Tum meri baaton ka jawab diye bagair nahi ja sakte. I won't let you go. जब तक तुम मेरी सारी बातों का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी. तुम्हारी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है मिली. बस इतना सुन लो कि सवेरा ही मेरा इश्क है. इश्क? पहले म्यूजिक तुम्हारा इश्क था और अब ये सवेरा. ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है. सवेरा मेरे गिटार के तारों से निकलती हुई एक लहर है, मेरे सीने से निकलती हुई एक आवाज. सर मत. चलो राबी, क्या हुआ सवेरा? कोई सवाल मत पूछो, चलो यहाँ से. कहाँ जा रहे हो तुम? You can't go. तुम्हारा इश्क एक पागलपन है. Be sensible, सरमत. मैं डैडी से बोल के तुम्हारे लिए लंदन और न्यूयॉर्क में शोज अरेंज करवाऊंगी. और and I promise you that I'll give you the hardest pleasures of life. I promise you. और फिर तुम ये अपनी किसी पिटी ये इश्क की एल्बम जिसके ऊपर सवेरा का टाइटल लगा हुआ है, इसको भूल जाओगे. I promise you. मुझे जाने दो मिली. कहाँ जाना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी. मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ. I won't let you go. देखो मिली, सवेरा भी अभी यहाँ आई थी और वो हम दोनों को देखकर चली गई है. मुझे जाने दो मिली. नहीं, देखो, there's no सवेरा. ये that's just your illusion, baby. यहाँ कोई सवेरा नहीं है. I'm telling you, यहाँ कोई सवेरा. जरतान, सवेरा यहाँ आई थी क्या? आई थी अपने कजन के साथ. चली गई. क्या हुआ मिली? ये क्या हुआ मिली? तुम्हें तो चोट लगी है और खून भी बह रहा है. लाओ मैं साफ कर दूँ. नहीं शकी, नहीं, बहने दो इस खून को. पहली दफा इश्क में चोट खाई है. नहीं रुकेगा अब ये खून
अब नहीं रुकेगा। ये खून मेरी मेरी आंखों में उतर आया है, अब ये नहीं रुकेगा। बता देना सरमद को कि मेरी चली गई है, बता देना उसे। करत पैया पड़त विनती करत पैया पड़त दिल न जाना बलमवा भूल न जाना बलमवा विनती करत हूँ। यार सरमद, मिली चली गई और जाते हुए वो बहुत मायूस थी। ये तय हुआ कि तुझे हश्र तक बुलाना नहीं, और ये इल्तिमास है कि ऐ हश्र तुझे आना नहीं। विनती करत पैया पड़त विनती करत पैया पड़त दिल न जाना बलमवा भूल न जाना बलमवा विनती करत दिल न जाना बलमवा भूल न जाना बलमवा विनती करत हूँ। आंसू को पहले ने देखा ला, मेरे नसीब में सर आंखों से आंसू बहा नहीं रह गया। नहीं मेरा बेटा, ऐसे नहीं कहते। पानी अगर पत्थर पे गिरता रहे ना तो उसे भी काट देता है। ये तो मेरी सवेरा का चेहरा है। बस अब मत रो, बहुत रो लिया तुमने, अब बस कर दो। किसी ने कुछ कहा है क्या? बिलाल ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। खाला मैं यहाँ पे आ जाया करूँ कभी कभी, आपसे और माँ से मिल। हाँ बेटा क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ।
जी सर, आप कौन है? मैं सरमद हूँ, मुझे सवेरा से मिलना है। सवेरा बीबी तो चली गई हैं। कब? आज सुबह। कौन था बाहर? कोई सरमद साहब थे। सरमद? अच्छा तुम चलो गाड़ी पे कपड़ा लगाओ। ये सरमद आखिर है कौन? ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था, किसी के इश्क में चोट खाकर जंगलों पहाड़ों सहराओं में मारा मारा फिरता था, बाजारों और दरबारों पर जाकर आहुजारी करता था, लेकिन कहीं मुझे सुकून नहीं मिला। फिर अपनी बेकरारी में भटकते हुए एक दिन मैं यहाँ आ गया, सारिशाह की कचहरी में जा बैठा। उस वक्त सारे शाने सरमद की शक्ल में मुझे एक तोहफा दिया, मेरी हालत को देख के, मेरी बेसुकूनी को देख के। और सरमद फिर मेरे लिए ज़िंदगी का सहारा बन गया, मेरी उम्मीद की किरण बन गया। फिर मैं सरमद को लेके वापस चला गया और सरमद के साथ मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ भी मुझे मिल गई। इस छोटे से बच्चे की देखभाल में मैं ऐसा खोया कि अपना आप भी भूल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब इतना बड़ा हो गया। और बाबा, सारे शाह ने सरमद को इश्क की दुआ दी थी, फिर उसे इश्क हो गया। उसने जो कहा वो हो गया, अब क्या जोखम है? जोखम है बाबा, और जोखम यह है कि इश्क उसे शहर के रईस जादे की बेटी से हो गया। क्या हुआ यार? बाबा से रابطہ नहीं हो रहा मेरा, फोन बंद जा रहा है उनका, पता नहीं कहाँ चले गए। तुमने बताया था कि वो कोर्ट मिठन की तरफ गए। हाँ, मुझे भी उन्होंने यही बताया था। मैं बहुत उदास हूं उनके बगैर। यार बात करने को दिल चाह रहा है मेरा उनसे। यार सरमद, सवेरा भी चली गई और मिली भी, क्या बोलते हो? अब तो यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे ख्याल में हमें इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए निकल जाना चाहिए। ठीक कह रहा है, चल इसके लिए कॉफी बना के लेके आते हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा, खाना लगाओ। अभी मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा, तो सवेरा के पीछे तुम भी चल पड़े? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेमिनार है, उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। हो सकता है 3-4 दिन लग जाए। मेरा अब अकेले घर में दिल नहीं लगता, और अब तुम्हें भी अकेले नहीं रहना चाहिए। अब तुम माशाल्लाह वेल सेटल्ड हो, शादी कर लो।
जैसे आपकी खुशी। तो मैं जीशान से बात करूं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ लाहौर। तुम्हें सवेरा पसंद तो है ना? सवेरा, दिन की रोशनी में अंधेरा किए बैठी हूँ। जब से तुम आई हो कमरे में बंद होके रह गई हूँ। तुम्हें देख के मेरा दिल घबरा रहा है। मैं क्या करूँ दादी? बाहर निकलो, घूमो फिरो, कुछ करती नजर आओ, पता लगे कि तुम जिंदा हो। आप क्यों परेशान होती हैं दादी? मैं जैसे भी हूँ जिंदा तो हूँ ना, बस मुझे इस कमरे में रहने दे। सवेरा, अगर कमरे में यूं ही बैठे रहना है तो क्यों नहीं एक कहानी लिख लेती तुम? कहानी का ही तो पता नहीं चल रहा दादी कि कहानी क्या। सवेरा, अल्लाह ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया, ये फूल सा चेहरा दिया है, और इस फूल से चेहरे को ताजा रोशनी और हवा की जरूरत है, वरना चंद दिनों में मुरझा के रह जाओगी तुम। फूलों को आखिर मुरझाना तो होता है ना दादी? बिल्कुल मुरझाना होता है, पर चंद दिन की बहार तो दिखाते हैं। बस दो चार दिन की बहार ही तो होती है। तुम पे डिप्रेशन का दौरा पड़ चुका है, मैं अब राबी को तुम्हारे सर पे सवार करती हूँ, वो तुम्हें सही करेगी। सवेरा, तुम्हारा एक लेटर आया हुआ है, तुम्हारे ड्रॉ में पड़ा है, उसे देख लेना। चलती हूँ। हाँ आयशा, मैंने सोचा खत लिखकर या फोन के जरिए अफसोस करूंगी, फिर सोचा अफसोस कैसा, इसलिए कि आमना तो मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेगी। हाँ जीशान, मैं आमना के लिए तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर इस वक्त मैंने तुम्हें अफसोस के लिए फोन नहीं किया। मुझे तो बल्कि ये भी नहीं पता कि मुझे तुमसे अफसोस करना चाहिए या तुम्हें मुझसे। हम सब उसे मोहब्बत करते हैं, वो सारी जिंदगी मोहब्बतें समेटती रही, चाही जाती रही, लेकिन जिसे उसने चाहा उसने उसे सिर्फ दुख ही दिए। हाँ ऐसा तो होता है, उसने तुमसे बेवफाई की और किसी ने उसको फरेब दिया, मगर तुम्हारा शुक्रिया जीशान, तुम्हारी खामोश मोहब्बत ने उसे किसी खलिश के जहन्नुम में जलने नहीं दिया। चाहते हुए भी बहुत पुरसकून थी। मैं तो उसके लिए कुछ भी ना कर सका, काश उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता। आयशा, मकसद ना होगा ये देखने के वो मट्टी में सोई हुई कैसे लगती है। जरूर आना, बल्कि हो सकता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए। वो कैसे? बिलाल एक सेमिनार के लिए वहां आ रहा है, शायद उसके साथ मैं भी आ जाऊं। बिलाल? हाँ बिलाल, आजकल एरा में डायरेक्टर है। हाँ, बहुत छोटा था जब उसे देखा था मैंने। आप हमारे घर ठहरे। बिलाल तो होटल में ठहरेगा, मगर मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी, मुझे एक बात करनी है। कौन सी बात? वैसे तो आमना की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई, बस एक ही बात थी जो उसके दिल में रह गई। Thank you.
उफ अल्लाह, एक तो इस घर में कपड़ों की मैचिंग से लेकर इश्क की मैचिंग तक कोई काम मेरे बगैर हुआ ही नहीं। क्या मुझे तुम्हारी शिकायत मिली है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलती, कहीं आती जाती नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? मुझे पता है सवेरा, तुम सरमत के बारे में सोच सोच कर बदगुमान हो रही हो ना। नहीं, मुझे सरमत से कोई बदगुमानी नहीं, इस प्यार में दूरी नहीं बर्दाश्त मुझसे। अरे लड़की और लड़के की फ्रेंडशिप तो चलती है ना, और वो लड़की सरमत की सिर्फ फ्रेंड है और कुछ नहीं। मेरे तसव्वुर में जी चाहता है कि बस वो ही हो और कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम क्या सोच रही हो? चलो हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा चलो। कहाँ? रेड लाइट एरिया जाना है, एक बहुत जरूरी काम है। अजीज अमन, हम यहाँ इसलिए तशरीफ लाए हैं कि आप इस गिलाजत से भरी और गुनाहों से आलूदा जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर लें। हम चाहते हैं आप ये धंधा छोड़ दें। कौन सा धंधा मौलाना? यही नाच गाना और जिस्म फरोशी। जिस्म फरोशी हम कहाँ करते हैं मियाँ साहब। हाँ, अगर कोई जिस्म का खरीदार बनकर आ जाए तो हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। वो क्या कहते हैं मियाँ साहब, मस्जिद ढावे मंदिर ढावे, ढावे जो कुछ ढंदा, एक बंदियां दा दिल ना ढावे, रब दिल विच रहंदा। ये गुमराह कुन कलाम है, मस्जिद खुदा का घर है और मस्जिद को गिराना कुफ्र है, और जिस कलाम में मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया जाए वो कलाम भी कुफ्र है, और ऐसे कलाम की बुनियाद पर जो जिंदगी गुजारी जाए वो जिंदगी भी कुफ्र की जिंदगी है। क्या मतलब है मौलाना? मौलवी साहब के कहने का मकसद है ये नाच गाना छोड़ कर तौबा कर ले। तौबा करके हम कहाँ जाएंगे मौलाना? खुदा की जमीन बहुत वसी है, उसकी रहमतों का कोई शुमार नहीं। तो मौलाना हमें भी खुदा की इस वसी जमीन पर एक कोने में पड़ा रहने दे, खुदा की रहमत तो यहाँ भी पहुँच रही है। ये काम छोड़ दे बीवी साहिबा, कुछ और कर ले। और क्या करें? और कुछ नहीं तो अल्लाह अल्लाह ही किया करो। अल्लाह अल्लाह किए बगैर तो कुछ भी नहीं होता मौलाना, उसी के आसरे पर तो यहाँ पड़े हुए हैं। बेशक हम सब उसी के आसरे पर पड़े हैं, लेकिन नेकी का रास्ता तो इख्तियार करना ही पड़ेगा। बस आप आते जाते रहे मौलाना, और हमारे सीनों को नूरे हिदायत से मुनव्वर करते रहे, आपके कदमों के तुफैल हम भी नेक हो ही जाएंगे। सवेरा, तुम मुझे ये कहाँ ले आई हो? चुप करके चलो। तौबा है। जरूर जरूर। मौलाना साहब शरबत लीजिए। जज़ाकअल्लाह। मौलवी साहब आप भी लीजिए। ऐसी हजारों कहानियां इस कोठे पर बिखरी हुई हैं, जिस दरवाजे की दस्तक पर आते ही दम तोड़ देती। पहले तो मैं मर्द की तमाम बदकारियों के बावजूद खुद को उनसे बदकार समझती थी, लेकिन इस बदकारी की दुनिया में मेरी आंखें थी। अब मुझे इंसान और हैवान में फ़र्क समझ आने लगा। सवेरा, अब मैं दुनिया के बाकी इंसानों से ज़्यादा खुद को पाकीज़ा समझती हूँ, और किसी दरबार के मुकाबले रूहानियत तुम्हें इस कोठे पर मिली। तोबा तोबा, कैसी जगह पे लेके आई है? अगर मामू जान को पता लग गया तुम्हें पता है वो क्या कहेंगे? जल्दी चलो। चुप करके चलो ना, क्या हो गया? चल रही हूँ ना, तुम अभी जल्दी चलो। खुदा झूठ ना बुलाए, इस लड़की को कहीं देखा है?
یہ سید ذیشان بخاری کی بیٹی ہے، اس کا یہاں کیا کام؟ یہ تو حضرت صاحب کو بتانا پڑے گا.